वजन बहुत ज्यादा है देखो, तो ये अभी घर पे लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ रहा है सुबह का, ऑलमोस्ट 11 बज चुका है और मैं कल वहाँ पे काफ़ी रात से आया था, ऑलमोस्ट 9 बजे तक आया था और वीडियो एडिटिंग भी कर नहीं पाया और अभी सुबह एडिटिंग और अपलोडिंग किया। तो फिलहाल अभी कपड़ा धोने वाला हूँ क्योंकि कल पहन के आया था, जो गया था ना पहन के, वो पूरा गंदा हुआ तो अभी धोना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे कुआँ पे कपड़ा धोना है। और देखो दो तीन कपड़ा है बस, ये धोना है तो ये टिन से ही धोएंगे, पानी इसमें उठाना पड़ता है। हम लोग कुआं में ही धोते, देखो पानी भी इसी से पीते हैं। वैसे पानी ऐसा कैमरा सही से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पानी बहुत क्लीन है, पानी भी इसमें ही पीते हैं। धो भी दिया, सूखने के लिए दे भी दिया और मैं अभी फिलहाल दाव लिया और गाय का खाना का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ और सुबह वहाँ पे बांध के उसको आया था तो फिलहाल वही जा रहा हूँ। यहाँ से अभी कटहल, सॉरी यहाँ से अभी वो केला का जो कट के ले गया केला, तो उसका झाड़ जो रहता है वो कट के गाय को खिलाएंगे। तो यहाँ पे अभी काटा था वही ढूंढ रहे, शायद वो एक दिख रहा है, ये देखो ये एक है, तो इसको ही कट के ले गएंगे और अभी धूप है ज़्यादा तो खा लेगा। ये अभी काटेंगे ये देखो, और ये काटने के बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। और ये काटेंगे, काट के घर लेके जाएंगे, छोटा छोटा करके कर उसका तगड़ी में देंगे। उसके बाद गाय वहाँ पे है देखो, दिखाई दे रहा है शायद रास्ते पे है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है दुकान का सामने। तो ये काटने के बाद उसको लेके घर जाएंगे। और वजन बहुत ज़्यादा है देखो, तो ये अभी घर पे लेके जा रहे हैं, घर जाके आप लोगों से सीधा मिलते हैं। तो यहाँ पे कट के दे भी दिया देखो, खा रहा है कैसा, कितना प्यार से। और साथ में ये मिक्स किया कूड़ा जो धान का जो ऊपर का रहता है ना मिल में, तो वो मिक्स करने से गाय ज़्यादा अच्छा खाता। मैं ना धूप में दे दिया तो खाएगा, थोड़ा ज़्यादा खाएगा। अगर बारिश आने आज जब बारिश आ जाएगा तो नहीं खाता है केला का, तो धूप में इसीलिए दिया कि पूरा पेट भर के खा लेगा। A few moments later. तो दोस्तों जितना बजे केला का झाड़ काटते में गाय तो दिया, तभी से बारिश स्टार्ट हुआ। अभी तक तो देखो बारिश हो ही रहा है, 4 बज का आपको आवाज़ आ रहा है लेकिन साउंड मेरा आवाज़ भी कम आता होगा क्योंकि बारिश का आवाज़ आ रहा है।